नमस्कार, स्वागत है आप सबका केसरिया न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दुर्ग केंद्रीय जेल में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। आज सुबह एक विचाराधीन कैदी सुंदर जाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पद्मा नबूर थाना प्रभारी एमपी ध्रुव के अनुसार सुंदर जाल लगभग एक साल से पाटन थाना क्षेत्र में हुए एनडीपीएस मामले में जेल में बंद था। जेल के अपने बैरक में अचानक अचेत होकर गिरने के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि मृतक कैदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुंदर लाल की मौत प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है। मौत का तो अभी तक हम लोग को ये पूरा जानकारी मतलब आज सुबह मिला है कि जो लड़का है हमारा इंद्रजीत जाल, जो करीब सुंदर जाल करीब दो साल से करीब जेल में था, किसी वजह से अपना कारावास काट रहा था। कल उनके माताजी ने अचानक उनसे मिल के गए हैं और रात को ये सूचना आया कि अपना सुंदर जाल का डेथ हो गया है। और डेथ हुआ ठीक है, लेकिन परिजनों को सुबह तक ये इन्फॉर्म नहीं किए और डायरेक्ट वहाँ से शासन प्रशासन जो है उन्होंने डायरेक्ट ला के मंचूरी में रख दिए हैं। और मंचूरी में जब तक बोल रहे कि जब तक पुलिस शासन नहीं आएगा तब तक डेड बॉडी दिखाया नहीं जाएगा। इसी कारण से हम लोग सब चिंतित है कि किस वजह से हुआ है, क्या रीजन है। ना तो लड़के का हमको ये पहले सूचना दिया जाता है कि आपका बच्चे को या तो टीबी है, कैंसर है या हार्ट अटैक से हुआ है, इसका कोई रिपोर्ट ही नहीं बना है और अचानक मंचूरियन में लाकर दाखिल कर दिए सर, तो हम लोग क्या करेंगे पहले बताओ। कैसे मौत हुआ है ये जानना चाहते हैं। हाँ, वो मेरे साला लगता है। हत्या हुआ है कि अचानक मौत हुआ है, कैसे हुआ है ये तो अब जब पोस्टमार्टम आने के बाद ही रिपोर्ट में पता चलेगा ना। मुझे तो लगता है हत्या हुआ है लगता है, क्योंकि अचानक ही डेड बॉडी मतलब मंचूरियन में रख देना। शासन ये करता है किसी का अगर तबियत खराब हो गया तो सरकारी ट्रीटमेंट करवाता है या और कुछ कहकर उसको फिर उसके बाद रिपोर्ट बना के डॉक्टर मंचूरियन में भेजता है। ये तो कुछ भी नहीं बता रहे एकदम। आज सुबह ही मिला है हम लोग को सूचना, सबको ही बोले हैं कि बस उसका डेड हो गया है और उसको सीधा डायरेक्ट मंचूरी में भेज दिया है और यहाँ पर मंचूरी में रखा गया है। अभी जब तक पुलिस प्रशासन नहीं आएगा तब तक डेड बॉडी नहीं दिखा रहे हम लोग को। क्या लगता है जेल प्रबंधक आप लोग कुछ छुपा जा रहे हैं? छुपा रहे हैं या नहीं छुपा रहे वो जब रिपोर्ट बनेगा तब पता चलेगा सर, ऐसे तो नहीं चलेगा। हम लोग शासन से यह चाहते हैं कि किस घटना से हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये चाहते हैं कि कारण जानना चाहते हैं। इस मामले में जेल में था ये गांजे तस्करी के मामले में था, ये 1.5 से 2 साल करीब हो रहा है। इसका उम्र है 30 साल के, 30-31 साल है। ये कौशलगढ़ का रहने वाला है। मेरा नाम राजकिशोर सोना है। हाँ, पूरा मामला है कि वो कैदी जो है उसका नाम है सुंदरजीत, जो एनडीपीएस एक्ट के मामले में थाना पाटन के अपराध से 26-10-2023 से जेल में निरुद्ध था और आज 20 तारीख को जेल में उसका तबियत खराब हुआ, जिसको डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे, जहाँ डॉक्टर के द्वारा चेक करने पर उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। उसके बाद उसको फिर कोतवाली थाना में सूचना दिए तो जहाँ से 0 पे मर कायम किया गया और फिर डेड बॉडी पंचनामा हेतु थाना पद्मापुर से स्टाफ गया हुआ है और आगे जो भी अभी पंचनामा और पीएम रिपोर्ट के बाद जो जांच में पाया जाएगा उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजन कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि घटना स्थल जो है जेल के अंदर है तो वहाँ परिजन उपस्थित नहीं रहते हैं, क्योंकि परिजन की अपनी मन वो रहती है तो उसके बारे में अपन कुछ नहीं कहेंगे। किस प्रकार जाँच चलेगी? जाँच पुलिस जो है अच्छे से करते, चूँकि विचाराधीन कैदी का मृत्यु का संबंध है तो वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश और जो सबूत साक्ष्य जैसे पाया जाएगा उसमें आगे क्रम में बढ़ेंगे। तो सर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर ही करना है, ना कुछ प्रशासन बता पा रही ना कुछ बता पा रही। ये दूसरी घटना है जो कि में ये लग रहा है सर, ना हमको कुछ चीज़ को बताया जा रहा है, ना कोई शासन दे जो अधिकारी है जो अभी तक मौजूद नहीं है यहाँ पे। और हमको अभी 2 दिन पहले ही हमारी बुआ जाके मुलाकात करके आई है, सामान छोड़ के आई है और जब उस कंडीशन में सब कुछ ठीक था, अब अचानक से बोला जा रहा है कि वो डेड हो गया और ना ही उसको हॉस्पिटल ले गया गया, ना ओपीडी में दिखाया गया, ना उसका ना पर्ची मिल रहा है, ना यहाँ कोई बता रहा है, ना कोई उसको कुछ कर रहा है।
सीधा बोल रहे हैं कि डेड हो गया, आप वहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है जिससे हम बात कर सके। हमको लग रहा है कुछ ना कुछ अंदर ही घटना घटी है, तो उस वजह से उसकी मौत हुई है। हमको कुछ भी हो सकता है सर, आप अंदर की बात हम कैसे बता सकते हैं? लापरवाही तो शासन की हो सकती है। हमको न्याय चाहिए सर, हमको बताइए, अब बताने वाले बताइए। मेरा नाम है राजन सागर, मैं उनके बुआ का लड़का हूँ। और मेरे को अचानक से खबर किया गया कि ऐसी ऐसी बात घटना घट गई है, और हम आए तो यहाँ पे हमको ना देखने दे रहे हैं बॉडी, ना कुछ बताया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि अधिकारी आएंगे तो वो बताया जाएगा करके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए केसरिया न्यूज के साथ।